तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 का। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? अगर मैं दो टर्म्स को, दो तीन वैसे जितनी मर्जी, लेकिन हम अभी के लिए एग्जांपल के लिए सिर्फ दो टर्म्स लेते हैं, उनको लिखूं, एक हो उसमें वेरिएबल और साथ में कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म हो, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन, राइट। तो यही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें ये जो टू है वो क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि टू तो कांस्टेंट ही रहेगा। एक्स जो है वो वेरी करेगा, तो ये आ गया हमारा वेरिएबल, और ये भी हमारा क्या है? कांस्टेंट ही है। दैट्स इट। तो ये हमारी क्या आ गई? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको हो गया, सर इसमें तो सिर्फ इक्वेलिटी साइन नहीं आया, अदरवाइज है तो ये भी सिंपल इक्वेशन टाइप ही। तो सिंपल इक्वेशन और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब अगर ये एक एक्सप्रेशन है ना, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस ये आया कि एक्सप्रेशन में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, प्लस उनकी पावर भी कितनी भी हो सकती है। डजंट मैटर कि उसकी पावर वन ही होगी और वेरिएबल भी एक ही होगा, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं और कितनी भी पावर हो सकती है। अब अगर इन जो ये क्या होगी हमारी, फिर ये एक होगी हमारी एक्सप्रेशन। अब अगर इस एक्सप्रेशन को मैं विदाउट साइंस लिख दू ना, कॉमा डाल के, ठीक है, प्लस का साइन मैंने बीच में से हटा दिया, तो अब ये दोनों क्या बन गए हैं? ये दोनों हैं उस एक्सप्रेशन की टर्म्स, ये दोनों इस एक्सप्रेशन की क्या है? टर्म्स है। इन टर्म्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, थ्री इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो ये इन टर्म्स के क्या हो गए? फैक्टर्स। क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। दैट्स इट। तो ये छोटी छोटी सी चीजें थी जिससे हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरी की पूरी एक्सप्लेन हो जाती है, उसका मीनिंग क्या है, क्या होता है, क्या क्या उसमें चीजें होती हैं। अब ये जो वर्ड हमने यहां पर यूज करा ना, टर्म्स, इसके बेस्ड पे हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आती हैं। यहां पे आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप की हैं, तो मैं आपको वो सिखाता हूं, एक साथ में मैं एक्स्ट्रा भी सिखा दूंगा, क्योंकि वो भी कई बार काम आ सकती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो जैसा कि मैंने बोला कि टर्म्स के हिसाब से जो टाइप्स होती है एक्सप्रेशंस की वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो वो है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। पहले का आपको मैं क्लियर कर देता हूं क्या होता है। अब मोनो का मीनिंग क्या होता है? मोनोमियल्स का मीनिंग, मोनो का मतलब होता है वन और नोमियल्स का मीन्स टर्म्स। इसी तरह से बाई का मीनिंग होता है टू और नोमियल्स टर्म्स। ट्राई का मीनिंग होता है थ्री। दैट मीन्स जो मोनोमियल है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होगी। अब टर्म्स कैसे आती थी? बीच में अगर एक प्लस का या माइनस का कोई भी साइन दिया हो, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस और माइनस में से कोई साइन दिया हो, उस टाइम पे हमारी एक टर्म से दो टर्म्स बन जाती थी, अगर बीच में प्लस का साइन है। यहां पे कोई भी प्लस का साइन नहीं है, वेरिएबल जितने मर्जी आते जाएं। तो ये एक क्या है? मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। इसी तरह से फिर आगे वाली कर लो आप, 2xy plus 3z, ये क्या है? बाइनोमियल्स, क्योंकि दो टर्म्स हैं। 2x plus 3y plus 3z, ये क्या है? एक ट्राइनोमियल्स हैं, क्योंकि इनमें तीन टर्म्स हैं। अब आपको मैं दो क्वेश्चन देता हूं, एंड जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको यहां पे चार करवाऊंगा वो भी बताता हूं। पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चंस। आपको मेरे को इन दो क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं कि फर्स्ट का ये कौन सी टर्म है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, और ये वाली कौन सी है, ये आंसर्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे। अब आती है हमारी लास्ट वाली, जो मैंने आपको बोला था, वो है पॉलीनोमियल। अब नोमियल को आपको पता है टर्म्स है, और पॉली का मतलब होता है
मैनी मीन्स मैनी टर्म्स, तो पॉलिनोमियल बोला जाता है. पॉलिनोमियल से हमारा मोनोमियल बनता है, बाइनोमियल बनता है और ट्राइनोमियल बनता है. दैट्स इट. हमने समझ लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, उनकी टाइप्स आगे क्या होती है टर्म्स के हिसाब से. अब हम करते हैं कि जो एक्सप्रेशंस हैं अगर वो हमें गिवन है तो उनको ऐड कैसे करना है और उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है और उनको डिवाइड कैसे करना है, ये सब हम इसमें सीखते हैं. तो अभी आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है. तो 3xyz माइनस 2yxz प्लस 3zxy प्लस 2xy, ये एक एक्सप्रेशन दी है, उसने बोला इसको सॉल्व कर दो. अब सॉल्व कैसे करेंगे देखो, उसके लिए आपको पता होना चाहिए लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं. अगर मैं लाइक टर्म्स की बात करूं तो लाइक टर्म्स ये दो लाइक टर्म्स हैं, 2xyz प्लस 3yxz, ये दो अनलाइक, ये दो लाइक टर्म्स हैं और अनलाइक टर्म्स होगी 2xy एंड zxy, मींस वन है उसके साथ या टू लगा लो, अगर आपको थ्री लगाना है तो लगा सकते हो. तो ये दोनों हैं डिस अनलाइक टर्म्स और ये दोनों हैं लाइक टर्म्स. अब कैसे पता चलता है कि एक टर्म लाइक है और एक अनलाइक है, वो हमें बताते हैं ये वेरिएबल्स. नंबर नहीं बताता कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स बताते हैं. इसमें देखो एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, पावर्स भी बिल्कुल वन वन ही है. यहां पे भी देखो एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, और पावर्स भी इनकी भी वन वन है. तो ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, ये दोनों होंगी लाइक टर्म्स. पावर सेम होनी चाहिए, मींस इक्वल लाइक टर्म्स होनी चाहिए. बिल्कुल अगर एक्स स्क्वायर उसमें आ रहा है तो आगे वाली जो टर्म है उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो उसमें भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म्स की कैटेगरी में आती है, अदरवाइज उनको अनलाइक में डाल दो. जैसे यहां पे, यहां पे एक्स और वाई था, जेड मिसिंग था, लेकिन यहां पे एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों थे, इसीलिए ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं. अब यहां पे जो है लाइक टर्म्स ढूंढेंगे हम. अब यहां पे लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई, जेड नहीं आया तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये और ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं. तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं. देखो ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6. माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4xyz प्लस 2xy, ये आपका आंसर आ गया. यहां तक ही हम सॉल्व कर सकते हैं, आगे इसको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों की दोनों अनलाइक टर्म्स है. तो इस तरह से तो हम करते हैं ऐड, लाइक और अनलाइक टर्म्स देख के. मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखते हैं अब. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करनी है एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, बहुत ही ज्यादा आसान है. अगर आपने 13th चैप्टर जो हमारा था, क्या था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर समझा हुआ है, जो कि मैंने समझा रखा है आपको ऑलरेडी, तो अगर आपने वो समझा हुआ है तो उसमें आता था a रेस टू पार m एंड a रेस टू पार n. बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम बेस सेम ही लिख देते हैं, लेकिन पावर जो होती हैं वो उसकी ऐड हो जाती हैं. जैसे यहां पे मैंने लिख दिया m प्लस n. इसी तरह से अगर यही सेम चीज डिवीजन में आ जाए तो डिवीजन में जो पावर्स होती हैं वो हो जाती हैं माइनस. उसी को हम यहां पे यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे देखो, इसके साथ तो कुछ है नहीं है तो इसको तो मैं ऐसे कह सही लिख दूंगा. अब यहां पे देखो x की पावर क्या है, 1, और y की पावर क्या है, 1. यहां पे भी 1 है, 1 है 1, और यहां पे भी 1 है. अब ढूंढो a और a कहां पे मिल रहे हैं, मींस x और x कहां है, x यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो x की पावर 1, x की पावर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, x की पावर 2. उसके बाद y की पावर 1, y की पावर 1, तो y की पावर होगी 2. z यहां पे है नहीं, यहां पे तो है ना, तो z को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ या 3 के साथ, तो z तो z ही रहेगा ना, साथ में 3 हमारा वैसा का वैसा ही आ गया. अब करते हैं नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई. यहां पे x की पावर 1 दी हुई है लेकिन यहां पे कोई x नहीं है, लेकिन हम साथ में इसके 2 लगा के यहां पे x लिख देंगे, ठीक है. उसके बाद y की पावर 1 है, यहां पे y की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया,
तो जिसकी पावर नहीं मैच करती है मल्टीप्लाई में, कोई लाइक्स और अनलाइक टर्म का कोई भी चीज नहीं होती है, जो भी टर्म आपको लाइक टर्म्स लगती है मींस वाई और वाई आर है, तो उनकी पावर्स देखो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को ऐड कर दो, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को माइनस कर दो, दैट्स इट। बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है अगर आपने ये ऑलरेडी सीखी हुई है। यहां तक हमने मल्टीप्लीकेशन भी सीख ली, डिवीजन सीख ली, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, सब कुछ जितने भी टॉपिक्स थे सारे के सारे सीख ली। लेकिन हम एक चीज हमेशा कर रहे थे कि एक्सप्रेशन को ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते थे, इसमें कोई भी हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे। दैट मीन्स एक नंबर में हमारा आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन अगर वो हमसे मांग ले कि भाई इसका नंबर में आंसर दो, लेकिन वो हमें क्या गिवन कर देगा कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है एंड z की वैल्यू ये है, कुछ भी गिवन कर देगा, तो उस केस में हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे वो वाला करते हैं। टॉपिक बहुत आसान है। इसके बाद उसके इस टॉपिक बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसके बाद एक और नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर समझना। ये वाला आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, जस्ट और जस्ट आपको वैल्यूज पुट करवानी है और कुछ भी नहीं करना है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, वाई इज इक्वल टू टू एंड जेड इज इक्वल टू थ्री, आपने कुछ नहीं करना है, सीधा आपने वैल्यूज पुट करवानी है। एक्स की वैल्यू दी है माइनस वन तो वो मैंने पुट करवा दी, पावर वैसे की वैसी ही रही। वाई की वैल्यू मैं टू पुट करवा दूंगा, प्लस वाई की वैल्यू है टू एंड जेड की वैल्यू है थ्री, उसकी पावर कितनी है थ्री। अब आपको जस्ट इनको सॉल्व करना है, 2 इंटू माइनस वन की पावर 2 है, पावर क्या है ऑड इवन है, तो आंसर किस में आएगा प्लस में, यहां पे 1 साथ में आ गया मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 3 होता है, 3 थ्री जार 9 एंड 9 थ्री जार 27, तो यहां पे आ गया 27, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू हमारा 27 होता है 8, 2, 8 और 2, 10, 108 एंड 108 प्लस 4 होता है 112, ये आपका आंसर आ गया। पहले हम एक्सप्रेशन में आंसर निकालते थे, अगर वो हमें जो उसमें वेरिएबल्स ही होंगे उनकी वैल्यू दे देगा तो हम एक डिजिट्स में नंबर फाइंड कर सकते हैं, उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है नंबर पैटर्न्स, उसको करते हैं। तो हमारा इस चैप्टर का फिर लास्ट टॉपिक आ जाता है नंबर पैटर्न, जिसमें ऐसा कुछ फिगर्स आपको दी होंगी उसके हिसाब से आपको एक एक्सप्रेशन बनानी है और एक्सप्रेशन से वो आपको एक क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन से आपको आंसर निकालना है। अब एक्सप्रेशन कैसे बनानी है वो फाइंड करते हैं। देखो अब देखो ये क्या फिगर बनी हुई है, 4 कितनी है, 4 यहां पे 1 नहीं है, लेकिन कितनी स्टिक से बना है मींस लाइंस मान लो एक तरह की, कितनी लाइन से बना है 1 2 3 4, तो इसके नीचे लिख दो 4। अब इसको अगर मुझे दो फिगर्स बनानी हो ऐसी तो मुझे कितनी जो लाइंस है वो लगनी चाहिए थी 8, लेकिन लगी कितनी 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लगी 7, क्योंकि ये एक कॉमन आ रही थी इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट में कितनी आ गई 4 5 6 7 8 9 10, तो नेक्स्ट में आई मेरी 10। तो एक फिगर के लिए 4 चाहिए, 2 के लिए 7 चाहिए, 3 के लिए 10 चाहिए, तो ऐसी अगर मेरे को 500 बनानी है तो उसके लिए कितनी स्टिक्स लगेंगी या कितनी लाइंस लगेंगी, उसका आंसर वो पूछ रहा है। तो वो हम कैसे देंगे, वो हम एक्सप्रेशन के बिना नहीं दे सकते, इसीलिए हमें इसकी एक एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी। एक्सप्रेशन के लिए समझ लो 4, 7 और 10 है हमारे पास, ठीक है। 4 और 7 और 10 में कितना डिफरेंस है सबसे पहले तो वो लिखो। इसमें मैं प्लस 3 कर दूं तो 7 बन जाता है, इसमें प्लस 3 कर दूं तो 10 बन जाता है, आगे भी मैं प्लस 3 करूंगा तो क्या बन जाता है 13 बन जाता है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है या कॉन्स्टेंट आप एक चीज बोल सकते हो, कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है, 3 सब में डिफरेंस कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो 3 को मैं लिख देता हूं यहां पे और यहां पे और यहां पे, ओके। उसके बाद 3 से मतलब 3 को यूज करते हुए मैं 4 कैसे बना सकता हूं, तो मैं 4 बना सकता हूं अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूं तभी मेरा 4 बन सकता है, राइट। लेकिन क्या मैं इसमें प्लस 1 करके इसको 7 बना सकता हूं,
नहीं बना सकता हूं। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी वो 7 बनेगा। इसी तरह से अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं और 10 हमारा तो बनेगा नहीं, 10 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमने फर्स्ट में क्या करा था, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा था। तो ये हमारी बन गई एक्सप्रेशन। कैसे, देखो 3 क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो वेरी कर रहा है दैट मीन्स ये हम मान लेते हैं एक वेरिएबल, और 1 भी सब में कॉन्स्टेंट आ रहा था तो 1 को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ये हमारी बन गई एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन से पहले आप यहां पे देखो, यहां पे 1 था, यहां पे 2 था, यहां पे 3 था। आपको पता होना चाहिए एन है क्या, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं होगा एन है क्या तो आप कैसे फाइंड करोगे। एन हमारा है, यहां पे देखो 1 है, एक ही फिगर बनी थी। यहां पे 2 है, 2 फिगर्स बनी थी। यहां पे 3 है, 3 फिगर्स बनी थी। 500 है तो एन को मैं क्या पुट करवाऊंगा, 500, क्योंकि एन मुझे बताता है कितनी फिगर्स हैं उसमें। उसने मुझे बोला 500 तो एन को मैं पुट करवा देता हूं 500 प्लस 1 तो आएगा ही आएगा। आंसर मेरा आ जाएगा 1500 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1501। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। बस इतना सा काम था आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले तो बनानी है एक्सप्रेशन दिमाग में। इतना सारा तो आमझाम नहीं करना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि एक्सप्रेशन बनती कैसे। आप तो कुछ सेकंड्स में बना लोगे, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस देखो और उसके बाद आपको पता है एक फिगर है तो एक से मल्टीप्लाई करो तो 2 फिगर है। आपने उसके बाद सिर्फ प्लस वाला ढूंढना है कि प्लस वाला आपको ऐसा लेना है जो कॉन्स्टेंट हो। दोनों का डिफरेंस तो कॉन्स्टेंट रहेगा ही रहेगा और उससे आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। इससे टाइप का एक क्वेश्चन में भी आ भी सकता है, हमारी वर्कबुक में तो है एक क्वेश्चन, वो वाला तो हम करेंगे करेंगे। एग्जाम में भी एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारा ये जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था वो खत्म होता है। मिलेंगे हम इसके सोल्यूशन में, तब तक के लिए गुड बाय।